सुजय चैनल में आपका स्वागत है। मैं गजेंद्र कुमार वर्मा आज आपके लिए एक ऐसा धांसू सा प्रोजेक्ट लेके आया हूँ फ्रेंड्स, जो आपके बहुत ही काम आने वाला है। फ्रेंड्स, इसके अंदर हम इस तरीके से कनेक्शन करेंगे और इस तरीके का सर्किट बनाएंगे कि जैसे कि आप अपने टॉयलेट में जाते हैं, आप अपने बाथरूम में एंटर करते हैं तो आपको स्विच ऑन करने की जरूरत पड़ती है, लैंप जलाने के लिए स्विच ऑन करने की जरूरत पड़ती है। और आज हम ऐसा जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसमें ऐसा होगा कि फ्रेंड्स आपको कोई स्विच ऑन करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही अपने टॉयलेट में या बाथरूम में एंटर करते हैं, एंटर करने के साथ ही आपका लैंप ऑन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट की तरफ। हम डीसी 5 वोल्ट डीसी चार्जर से ताकि हमारी जो रिले है वो कंट्रोल हो सके। और जैसे कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है प्रोजेक्ट की कि जो हमारे उपकरण है उसमें हम न्यूट्रल को रखते हैं कॉमन, तो इसके न्यूट्रल को हम यहाँ पे दे देंगे डायरेक्ट सप्लाई। और अब इसके जो आउटपुट है, आउटपुट में हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं लैंप के अंदर। हमारा जो ब्लैक वाला वायर है वो हमारा हो गया यहाँ पे आउटपुट। अब यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ लैंप के अंदर। चलिए फ्रेंड्स इसको करते हैं हम ऑपरेट। यहाँ पे हम इसको 5 वोल्ट डीसी देंगे, तो मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट का चार्जर ले लिया है और इसको कर लेते हैं हम इसके अंदर कनेक्ट। हमारी रिले यहाँ पे कनेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे न्यूट्रल और हमारा फेज, ये फ्रेंड्स आप जरूर से देख के लगाएं हमको, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूट्रल है वो कनेक्ट करना है डायरेक्ट लैंप से और फेज करना है रिले से। तो मैं सबसे पहले फेज चेक कर लेता हूं, उसके बाद इसको लगाता हूं। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका जो मेन पर्पस है, किस कारण जो हमने इसको बनाया है वो हम इसकी टेस्टिंग करके देख लेते हैं। जैसा कि हमारा लैंप ऑन हो गया है, अब मैं आपको दिखाता हूं इसका मेन पर्पस क्या है। चलिए फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमारा लैंप ऑन है। अब एक बार इस लैंप को ऑफ होने देते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि हमारा लैंप है वो ऑफ हो गया है। अब ये सर्किट जो हमने बनाया है इसको हम पहले तो एक किसी बॉक्स के अंदर पैक कर लेंगे और इसको
हम फिट कर लेंगे हमारे दीवार के अंदर, और हम इसको लगाएंगे जो जैसे कि हमारा पर्पस था टॉयलेट के अंदर इसको लगाना, कि जैसे ही हम टॉयलेट के अंदर एंट्री करें हमारा स्विच ऑन रहे, हमेशा 24 घंटे ऑन रहेगा, और जैसे ही हम एंट्री करेंगे एंट्री करने के साथ हमारा यहाँ पे लैंप ऑन हो जाएगा। तो मैं आपको इसको दिखा देता हूँ किस तरीके से ये वर्क करेगा। अब जैसे मान लीजिए यह मेरा आगे यहाँ पे टॉयलेट है और मेरा सर्किट वहां पे लगा हुआ है, स्विच हमारा ऑलरेडी 24 घंटे ऑन रहेगा। अब मैं यहां से जैसे ही मूव करूंगा, मूव करने के साथ ही मेरे यहां पे लैंप ऑन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पे इसकी हम टाइमिंग और इसकी रेंज दोनों बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे सर्किट के अंदर ये दोनों चीजें दे रखी है। यहां पे ऑप्शन है हमारे पास कि हम इसकी रेंज बढ़ा सकते हैं और टाइमिंग बढ़ा सकते हैं कि कितने टाइमिंग तक हमारे को इसको ऑन रखना है। अब ये मैंने इसका लगा रखा है समथिंग 30 सेकेंड के समथिंग यहाँ पे ऑन रहेगा, 10 या 10-20 सेकेंड जितना आप रखना चाहो रख सकते हो। रेंज इसकी बढ़ा सकते हैं कि कितनी देर तक, मतलब कितनी दूर तक आप जैसे ही मूव करो तो ये ऑन हो जाए। अभी जैसे मैंने इसकी रिडार थोड़ी कम कर रखी है, तो मैं जैसे हल्का सा मूव करता हूँ यहाँ पे मेरा लैंप ऑन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल कि किस तरीके से हम बिना स्विच को ऑन करे हमारा लैंप ऑन कर सकते हैं हमारे मूवमेंट से ही। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा प्रैक्टिकल, और फ्रेंड्स इस प्रैक्टिकल जो ये प्रोजेक्ट बनाया है इसका मैंने सर्किट डायग्राम आपको वीडियो के एंड में दे रखा है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, जितने मेरे सब्सक्राइब है उतने मेरे व्यूज नहीं आ रहे, ऐसा क्यों? तो आप कम से कम जितने लोग देखे वो लाइक तो जरूर कर ही दे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का जो किसी भी तरह से आपको डाउट है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे या मेरे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट पर पूछ सकते हैं, मैंने लिंक दे रखा है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर।